दोस्तों आज हम आए हैं आसाम की गुवाहाटी से। पहले एक मार्केट है भूटान से, यहाँ 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़िश की मार्केट है, और अब आज फ़िश लेने आए हैं और अपने ट्रक में बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नई नई मछलियाँ हैं जो आप जल्दी देखने को नहीं पाएंगे। सुम्हा है, बहुत सी ऐसी नई मछलियाँ हैं। और दोस्तों अब हम मछली ले के जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। दोस्तों ये मछली बढ़िया धो के रख दिए हैं। अब इसमें नमक लगा के एक बार और धोएंगे, उसके बाद फिर हमारा चूल्हा यहाँ जलना चालू हो जाएगा, फिर हम मच्छी फ्राई बनाएंगे। दोस्तों ये मछली बढ़िया धो के रख दिए हैं। अब इसमें नमक लगा के एक बार और धोएंगे, उसके बाद फिर हमारा चूल्हा यहाँ जलना चालू हो जाएगा, फिर हम मच्छी फ्राई बनाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ा सा फिश करी मसाला लगा के अब मछली में लगा के इस तरह से रख देंगे थोड़ा टाइम तक। उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। हर तरफ से मसाला इसमें लगा के रखने के बाद में फिर दोस्तों अब हम आइए इसको तलने की तैयारी करेंगे। दोस्तों अब हमारा फ्राई चालू हो गया है, मछली तल रहे हैं। इसको स्लो आंच में इसको धीम आंच करके भूजेंगे, स्लो फ्राई करेंगे। हम फ्राई करेंगे, जितना स्लो आंच में आप फ्राई करेंगे उतना बेहतर है। तो दोस्तों हमारा फ्राई चालू है और हमारा ट्रक भी खड़ा है। इस वक्त दोस्तों मैं खड़ा हूँ आसाम में, और इस साइड जो आप बादल देख रहे हैं यहाँ से 20 किलोमीटर भूटान बॉर्डर है, और मैं ये हाईवे पे खड़ा हूँ, गुवाहाटी हाईवे पे। और यहीं पे मैं फिश फ्राई कर रहा था, और अब यहाँ से दोस्तों मैं निकल रहा हूँ